ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ బిల్లుపై రాజ్యసభలో వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकती है भैया? हमारा तो हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर, मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे. आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण. और मान्यवर, ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से. ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ. मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है. आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी. मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की? कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है? मान्यवर, इनको ये ठीक नहीं लगता. मान्यवर, चिदंबरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं. दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं हुई. भाई, अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं. आपके तो ना संसद सदस्य है ना धारासभा में कोई सदस्य है. हमारे कम से कम सातों सात संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के. और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए. यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में. ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए चप्पे चप्पे बोल सकते. किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? मान्यवर, मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार. मान्यवर, किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर, मान्यवर मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं. आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है. छिपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं. आपको छिपाना है. और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे. मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे. और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो. मान्यवर, मान्यवर, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है. मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं, 11 तारीख को एक सेकंड सुन लिया. बैठिए. मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं. ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं. एक सेकंड बैठ जाओ. 267 के तहत चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है. मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद